हेलो दोस्तों, तो आज हम बालू गिट्टी की माप ज्ञात करना सीखेंगे कि एक ट्रॉली में कितनी गिट्टी और कितनी बालू आती है। क्योंकि जो हम खरीदने जाते हैं तो वो जो लोग बेचते हैं वो हमसे झूठ बोल कर बेचते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एक ट्रॉली में कितनी बालू या गिट्टी आती है। तो हम देखते हैं, ये हमारी ट्रॉली होती है एक तरह से एक कमरे का यानी एक आयत का रूप होती है, तो जिसकी ये लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। इसका एक सूत्र होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तथा 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। तो हम देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारी ट्रॉली की माप 10 फुट लंबाई छः फुट, उसकी चौड़ाई 2 फुट, उसकी ऊंचाई, तो हम अब ज्ञात करते हैं, हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। तो इसका सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो रखते हैं, तो 10 × 6 × 2 इक्वल टू 120, तो ये कितना हो गया घन फुट। अगर हमारी ट्रॉली की माप फुट में पूरी पूरी ना दे रखी हो, इंचों में दी रखी हो, तो वो भी देखते हैं। तो अगर हमारी ट्रॉली की जो ट्रॉली होती है उसकी माप इंचों में है, जैसे लंबाई उसकी 9 फुट और 6 इंच, चौड़ाई 5 फुट 5 इंच, उसी प्रकार ऊंचाई 1 फुट 10 इंच। जब हमें दे रखा है कि हमारी जो यूनिट है, तो हम सबसे पहले छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो देखते हैं, हम इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 × 1 फुट बराबर कितना होता है, हमने पहले ही दे रखा है 12 इंच, प्लस ये कितना है 6 इंच, तो हमारा कितना हो गया 12 × 108 प्लस में 6 इक्वल टू कितना हो गया 140। इसी प्रकार इसको चेंज करते हैं, तो 5 × 1 फुट बराबर 12 प्लस में 6, तो 6 तो कितना हो गया 66। ये हमारा 5 है, तो 65। आगे देखते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 22, 22 इंचेज हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ट्रॉली का आयतन निकालते हैं। तो 114 × 65 × 22 तो इक्वल टू कितना आ गया हमारा, तो हमारा आ गया इसमें 63020, ये हमारा आ गया इतना इंचेज। अब इसे हम घन में निकालेंगे, तो इसमें हम 1728 का देंगे भाग, तो कितना निकल आएगा। अब आप बोलोगे 1728 का भाग क्यों देंगे,
तो उसको भी बताएंगे आपको 1728 का भाग क्यों देंगे। तो इसका आंसर लगभग 94 पॉइंट कुछ करके आएगा फुट में, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी जो ट्रॉली है 94 इंचेज है, और वो हमें 100 फुट करके देते हैं, तो हमें पता है ये हमारा कितना 6 फुट हमें लॉस करके देते हैं, 6 फुट लॉस करके देते हैं। तो अगर आप कभी भी लेने जाएं तो इसी प्रकार से अपनी ठेली जो ट्रॉली होती है उसकी माप करवाएं, उसके बाद बालू या गिट्टी कुछ भी लें, पहले अपनी ट्रॉली को माप लें, उसके बाद अपनी जो बारू है उसकी, जो बालू है उसकी माप पता चल जाएगी आपको। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।